महाभारत में ऐसा लिखा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। पर यह बात तो सत्य है, इंसान जो कुछ भी करता है उसको उसके किए का फल तो अवश्य ही मिलता है। और हमारे कितने जन्म होते हैं, कितनी बार हम पैदा होते हैं, यह हमें नहीं मालूम होता। कौन हमारी जीवन रूपी यात्रा में हमसे मिलता है, कौन हमारा मित्र होता है, कौन हमारा शत्रु होता है, यह भी हमें नहीं मालूम होता। पर मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को इसी सृष्टि में सुख भी अपने लिए कर्म से मिलता है और दुख भी अपने किए हुए कर्मों से मिलता है। क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अगर हमने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिवार, अच्छे लोग, अच्छी जीवन की यात्रा में सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा नहीं किया है तो आपको आपकी जीवन रूपी यात्रा में पता चल जाता है कि क्या किया है। अब यह जो जीवन आपको मिला है, इस जीवन में भी अगर आप बुरा कर रहे हैं तो वह आपको इस जन्म में तो भुगतना ही है। अगर आप एक की इस जीवन यात्रा में आपको दुख मिल रहा है, अगर आप अपने अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं तो आपको जीवन में सुख भी मिलने लगता है। तो यह भी आपके हाथ में है कि जो आप दोगे वही बदले में पाओगे। तो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। और जब आप इस शरीर को त्याग कर जाओगे तो वहां आपको सिर्फ कर्मों का हिसाब देना होता है। और अगर वह आपके साथ अच्छे किए तो आपका आने वाला जीवन भी अच्छा होगा। जब भी आप इस दुनिया में वापस आएंगे तो अपने अच्छे कर्मों के साथ आओगे। जीवन में अगर हम दूसरे लोगों के लिए खाई खोदेंगे तो सबसे पहले हम ही उसमें गिरेंगे। हम अगर दूसरे के साथ में बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अड़िग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाती है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश और धन की पुण्य स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूं और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूं। मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूं। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र इत्यादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उस कामना को पूर्ण करता हूं जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास हुआ है। इसलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल मिलता हुआ नहीं दिखता है और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य कार्य करते हैं। कर्म का फल हर पल हमें मिलता रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया है तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। मित्रों, बार की बात है, एक गुरु और शिष्य थे जो कि एक पर्वत में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। जो गुरु थे उनमें भविष्य देखने की शक्ति थी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल बहुत मोटा होता है। दोस्त, इस जीवन में कौन क्या करता है, कैसे करता है, यह सब हम पर ही निर्भर करता है। उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थीं और उनकी प्रसिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहां के लोगों में इतनी ज्यादा प्रचलित है कि लोग उनकी शक्तियों से भलीभांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार वह दो तीन दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में भी सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है।
और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूं। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पर्वत से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। शिष्य चलता चलता पर्वत से जैसे ही नीचे एक समुन्दर के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थीं और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थीं। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को भूल जाती है और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती हैं। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थीं और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनके घर को खत्म कर देगी और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की चार दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है और चार दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ मजे से रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहां उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया से जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह भागकर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पर्वत से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था, तब मैंने ऐसे ही कही चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करें। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस जरूर आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचें, ना ही किसी का बुरा करें, सबका भला सोचें। और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे भूल जाए, क्योंकि भगवान सभी को एक दिन उनका कर्म जरूर लौट आते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म कृतं शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यो यद्वपति बीजं लभते हि तादृशं फलं, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है,
वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति न रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी न करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, माया भिरमायनन सक्षदिंद्र, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए, ताकि फसल अच्छी हो। गीता जी कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वो यह संदेश देना चाहती है कि कर्म के हानि लाभ में उलझने के बाद
मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद नहीं पर है। इसीलिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए युद्ध करते रहो, कौन हारेगा कौन जीतेगा यह सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सब सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दे तो अंत में क्या होगा? हम सबको पता है कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे मां बाप ने हमारे को पैदा किया और अगर वो यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पे लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया, तभी हम धरती पे आ पाए और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है, हम भूल जाते हैं। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं जो भोग योनियां हैं, उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता, जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है, यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और उसकी पत्नी और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे। उनके एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे, उसके पैरों की मालिश करते हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर परेशान रहता था उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे और वहां पर आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा कि संत महात्मा में और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई, उसे अपाहिज देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय बाद वापस नेत्र खोले और कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है और यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही अब तुम्हारी बेटी है भाई। तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारे बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो इतनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका जिससे उसके पैर की ही हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लग गई और पूरे जन्म में वह परेशान ही रही, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है झूठ, जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है।
जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस समय में तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है, तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ। तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है, इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते सोते उठते बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो, उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था। उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है ना बुरा कर्म, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गायों की संख्या में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हॉल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा दान परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है, इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं, और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं होता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए, और कभी किसी का बुरा करना तो दूर बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी 4 दिन की है। आज हम यहां हैं तो कल पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, तो फालतू में किसी का बुरा करके
या बुरा सोच के अपना समय बर्बाद क्यों करें और अपने पाप का पिटोरा अपने सर पर क्यों ले। जब तक है तब तक लोगों का भला करें और साथ में अपना भी भला हो ही जाएगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि जरूरतमंद लोगों की मदद करने से जो सुकून हमें मिलता है वह सुकून और किसी चीज से नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और अपना कीमती समय भगवान श्री कृष्ण की बातों में देने के लिए आपका कल्याण हो। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।